अभी हमारे पास हीरो की एक्स प्रो पैशन एक्स प्रो बाइक है, और इस बाइक में क्या है स्टार्टिंग प्रॉब्लम, यानी कि जब हमने चेक किया तो करंट इसका फॉल्ट है। तो करंट फॉल्ट है यानी कि क्या प्रॉब्लम है कि करंट बहुत ही यानी कि हल्का हल्का करंट आ रहा है, जिसे हमें चेक किस तरीके से करना है और हमें कैसे पता करना है कि हमारी CDI ख़राब है या बोतल कॉइल ख़राब है या रेगुलेटर ख़राब है या बैटरी ख़राब है या और भी कोई सामान या इग्निशन स्विच ख़राब है, तो कैसे हम पता करें। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा फुल डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। और वीडियो पसंद आने पर लास्ट में एक बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे इसकी जो इंजन से जो हमारा लाइटिंग कॉइल का वायर है, वो हमें ये वाइट कलर का जो वायर है यहाँ पर हमें चेक करना है। और एक तो हमारा ग्रीन हो गया ये बॉडी अर्थ, और एक ब्लू कलर ये हमारा पिकअप कॉइल के लिए होता है। तो फाइनली हम यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ से इस वाइट कलर के वायर में हमें एक इस तरीके से वायर लगाना है, यहाँ पे अटैच करना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें बॉडी में टच करना है। हमें यह चीज़ देखना है यहाँ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हाथ ना हिलो। यहाँ देखिए आप बिल्कुल यानी कि परफेक्ट करंट बिल्कुल झकास आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे तो आप यहाँ नहीं दिखाए और उधर से आप स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे हम इस वायर प्लग यानी कि इस वायर का हम करंट चेक करेंगे। तो यहाँ पे जब हम नज़दीक करते हैं तो यानी कि करंट आता है, और उसके बाद भी यानी कि जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहा। और यहाँ हम दूर करते हैं, ये देखिए आप, जो कि जो पटाखा वाला करंट होता है हमारा वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आधा इंची अगर हम साइड लगा के इसे चेक करें तो इसमें बिल्कुल करंट आना चाहिए। यहाँ पर हम इसे सटाते हैं तभी यानी कि करंट देता है, और ज़ोर से किक लगाने के बाद बहुत ही हल्का करंट आता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से चेक करना है ये जो यहाँ पे हमने वाइट कलर के वायर में आपको चेक कराया, तो अब यहाँ से ये वायर डायरेक्टली हमारा यहाँ रेगुलेटर में आता है, जो कि ये इंजन से जो करंट बनता है हमारा पावर वो यहाँ आके ये यानी कि कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के बाद यहाँ से एक वायर हमारा बैटरी चार्जिंग में जाता है और दूसरा वायर हमारा हेडलाइट जो होता है वहाँ पर जाता है। तब यहाँ से फ़िलहाल हमें जो स्टार्टिंग से रिलेटेड है वो यानी कि किस वायर में चेक करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाइट कलर का वायर तो हमारा इनपुट हो गया जो कि इंजन से आता है आर्मेचर कॉइल से, और आउटपुट यहां पे दो वायर है, एक रेड है और एक पीला है, ये यानी कि आउटपुट है। जो रेड है हमारा यही स्टार्टिंग के लिए होता है, जो बैटरी चार्ज और स्टार्टिंग में मदद करता है। तो सबसे पहले हमें इनपुट चेक करना है, इनपुट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ से हमने ये लगाया और यहाँ से हम बॉडी से अटैच करेंगे इसे, तो ये देखें आप, तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा जो करंट है वो बिल्कुल इसके अंदर इनपुट आ रहा है। अब हमें आउटपुट चेक करना है, इस तरीके से वायर लगाना है और यहाँ से चेक करना है इस वायर में लगा के, इधर से आ जाओ नज़दीक करो नज़दीक जैसा हो यहाँ हाथ थोड़ा। तो ये देखें यानी कि बहुत ही हल्का हल्का यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बैटरी के साइड से, यहाँ से इस तरीके से लगा के यहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो जो बैटरी चार्जिंग के लिए करंट था वो सही आ रहा है, और यहाँ से हमारा एक वायर जो है डायरेक्ट CDI में जाता है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि CDI में जो इनपुट जा रहा है तो आउटपुट वहाँ से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आउटपुट देखने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा, जो हमारा इस कॉइल का जो वायर है यहाँ इस सॉकेट में देखना होगा, यहाँ पर इस जो ब्लैक कलर का वायर है इसमें हमें ब्लैक नहीं है ये दूसरा, ब्लैक में हल्का ग्रीन कलर का है ब्लू कलर का, तो यहाँ पे हमें एक वायर अटैच करना है इस तरीके से, पकड़ो मोबाइल।
तो यहाँ पे लगाने के बाद अब यहाँ हमें यानी कि चेक करना है। तो यहाँ जो स्पार्क है इसका यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कंफर्म जो करंट होता है हमारा उधर से हर एक चीज़ यानी कि बिल्कुल सही है। अब हमें इसमें जो दिक्कत है वो इसकी दिक्कत है जो हमारा एचटी कॉइल है इसमें यानी कि हाई टेंशन जिसे कॉइल बोलते हैं हम इसका यानी कि प्रॉब्लम है। तो इसे हमें अब कैसे देखना होगा, तो फ़िलहाल हमारे पास एक पुराना है जो कि नया नहीं है ये देखें, तो इसे हम लगाते हैं और देखते हैं कि ये यानी कि प्रॉब्लम दूर होती है या नहीं होती है। तो ब्लैक कलर का जो वायर है उसे हमें ऊपर लगाना है और एक ग्रीन में नीचे का लगाना है। अब यहाँ से हम दिखाते हैं आपको। इसे अगर हम दूर भी करते हैं यानी कि आधा इंची एक इंची तो उसके बाद भी यानी कि ये करंट बिल्कुल सही दे रहा है, और इससे अगर हम हल्का सा ऊपर करते हैं तो यानी कि करंट ही नहीं आता है और उतना यानी कि आता ही नहीं है जिस तरीके से पटाखे वाले करंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं आ रहा है। तो इसमें हम कन्फर्म पता होता है कि इसकी जो ये क्वाले है ये चीज़ बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसे हमें लगाना होगा। और इसमें भी हम एक बार और दिखा देते हैं आपको। तो कभी भी वायरिंग की प्रॉब्लम होता है तो आप इस तरीके से चेक करें, ये देखें ज़ोर से कीक लगाने के बाद बहुत ही हल्का आता है और वरना नहीं आता। अब दूर हल्का करते हैं तो यानी कि करंट ही नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इस कलर का वायर से कि स्टार्ट होता है या नहीं होता है। जो हमने इस कॉइल को दूसरा लगाया, ये देखो ये बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है इससे, और दूर भी करते हैं तो उसके बाद भी यानी कि करंट बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखो तो इसकी जो करंट है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब हम इसे लगाएंगे जो इसी का है। देखा दोस्तों किस तरीके से ये दिक्कत करता है। पहली मरतबा ये करंट पूरा तेज आया और स्टार्ट भी हो गया और फिर अपने आप बंद हो के फिर उसके बाद करंट बहुत ही हल्का आ रहा है। तो इसकी जो प्रॉब्लम था वो इस कॉइल की प्रॉब्लम। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस कॉइल को लगाना है और कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से चेक करें, पैकअप पिकअप कॉइल को भी चेक करें, सी डी आई हर एक चीज़ चेक करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सीखते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।